दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, अब उनमें से जो भी लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट का ऑप्शन वेबसाइट पे आ गया है, आप इसमें क्विट कर सकते हैं। क्विट किन को करना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जितने भी लोग जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं या कुछ बिजनेस करने लगे हैं, तो वे अब इस योजना के पात्र नहीं है, यानी कि उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको इस योजना से एग्जिट करना पड़ेगा। अब बात आती है इसको कैसे एग्जिट करना है, क्या रिफंड अमाउंट मिलेगा, सब कुछ मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मैंने कई सारे लोगों का क्विट कर भी दिया है जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, तो ऐसे ही एक हमारे पर्सन है सौरभ जी, उनका अभी हमने क्विट किया है, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कितना अमाउंट उनका रिफंड हुआ है और कितना इंटरेस्ट उनको मिला है, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जो ऑफिशियल साइट है उसको CSC के माध्यम से लॉगिन करना होगा। अगर आप CSC सेंटर संचालक नहीं हो तो आप कहीं पे भी नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके आप इसको क्विट करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ से भी आपने इस सर्विस का रजिस्ट्रेशन कराया है आप वहाँ पर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो वहीं से कराएँ, वैसे आप कहीं से भी इसको करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से, इनका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे सेल्फ एग्जिट का ऑप्शन आपको सर्विसेज में जाके मिलेगा, यहाँ पे आपको वॉलंटियर एग्जिट पे क्लिक करना है। तो ये आपसे बता रहा है आप इस योजना के बारे में जानते हैं, आपको 3,000 रुपये पर मंथ इसमें पेंशन का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर आप ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में जो पेंशनर अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है, और इसके बाद में नीचे आप जेंडर चूज करेंगे, और इसके बाद में ऑथेंटिकेट टाइप पर OTP पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में ये कैप्चर टाइप करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और OTP का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है, और इसके बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आके आपको टिक करना है, जनरेट OTP पे क्लिक करना है, और फिर से एक OTP आपके आधार वाले नंबर पे सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद में वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ये पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और इसके बाद में आपकी आपका नाम इस योजना से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते, तो आप देख सकते हो 4,250 रुपये का जो है अमाउंट रिफंड हुआ है। और इसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना होगा, कोई सा भी, आप यहाँ पे अदर भी चूज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पज से इसको बंद करना चाहते हैं तो बिजनेस पर्पज से कर सकते हैं। इसके बाद में आपको CSC के माध्यम से एक इसकी पेमेंट करनी होगी 30 रुपये की। तो चलिए इसकी पेमेंट हम यहाँ से 30 रुपये की जो पेमेंट है इसमें हमें 8 रुपये पे करना होगा, तो वो पेमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इसको पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने आपका सारा डेटाबेस जो है ओपन होके आ जाएगा, कितना अमाउंट आपका रिफंड हुआ है। सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे 4,250 इनका रिफंड हुआ है। लगभग 2-3 साल इन्होंने ये इस योजना में पैसा जमा किया था, जो कि 80-85 रुपये इनका इस योजना में हर महीने काटा जाता था। तो इनका इंटरेस्ट भी लगभग यहाँ पर 250-300 रुपये बना है। तो इस योजना में इस तरीके से आप अपना नाम हटवा सकते हैं। अगर आप हटवाना चाहते हैं तो नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके इस योजना में अपना नाम हटवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें।